हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडो के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 13 T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच होने वाला है क्वेटा के लिए डेटियस और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ता है मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 24 फरवरी को इंडिया टाइम के साथ शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो पहली टीम क्वेटा के लिए डेटियस की बात करें तो जहाँ पे 5 मैच में 3 मैच हार के आ रही है तो वहीं 2 मैच विन करके आ रही है। अगर वहीं दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस टीम का भी सेम पोजीशन चल रहा है, 5 में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। तो टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पे क्वेटा के लिए डेटियस 4 मैच जीत के आ रही है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मैच जीत के आ रही है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे क्वेटा के लिए डेटियस का 40% देखने को मिल रहा है तो वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी सेम 40% देखने को मिल रहा है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ क्वेटा के लिए डेटियस का 157 है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 164 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो क्वेटा के लिए डेटियस का 207 है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 199 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो क्वेटा के लिए डेटियस का 110 है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 105 है। तो ये है दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे भी लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी तो हैजी सनशाइन रहेगी, 23 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 86% देखने को मिल सकते हैं, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहा आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का स्कोर की बात करें तो 181 रन लग सकते हैं इस पिच पे। अगर वहीं सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 166 रन बनने की संभावना है। इस पिच पे अभी तक टोटल 21 मैच खेले गए जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे डिफेंड करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है अगर जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो। वहीं अगर बॉलिंग करने वाली टीम को बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी चेस करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम क्वेटा के लिए डेटियस की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पे क्वेटा के लिए डेटियस की यहाँ पे बैटिंग सुधारने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक टोटल 4 मैच खेल के जिसमें से एक मैच में ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, बाकी 3 मैच इजली वे में मैच हार के आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें नो डाउट ये भी टीम काफ़ी स्ट्रांग है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। बट इसकी बात करें तो ये भी 5वें नंबर पर स्टेबल है पॉइंट टेबल में, तो ये भी टीम को अपना बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त भी हो सकता है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉल्स पे। दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम क्वेटा के लिए डेटियस के की प्लेयर की बात करें तो पहला प्लेयर जो खेलने वाला है सरफराज अहमद, जेसन रॉय, मार्टिन गुप्टिल, कशिश अहमद। वहीं दूसरी टीम अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के की प्लेयर की बात करें तो शादाब खान, कॉलिन मुनरो, पॉल स्टेरलिंग, फहीम अशरफ, ये रहे दो टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हमने अभी सारे बात डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।